नमस्ते बच्चों, मेरा नाम ताहिर है और आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। इस कहानी को लिखा है पुनीत तिवारी ने और इसके चित्र बनाए हैं मित्रारुण हालदार ने। आज की इस कहानी का नाम है चतुर चूहा और बुद्धू बंदर। बुद्धू बंदर और चतुर चूहे में दोस्ती थी। दोनों ने खेती करने की सोची। बंदर और चूहे ने मिलकर गेहूं उगाए। चूहे ने मजाक में पूछ लिया, कौन सा हिस्सा लोगे, ऊपर का या नीचे का? बंदर ने जवाब दिया, नीचे का। दोनों ने अपने अपने हिस्से लिए और घर गए। बंदर को घर पर डांट पड़ी। इस बार दोनों ने मिलकर आलू उगाए। बंदर ने पहले ही कह दिया, मैं ऊपर का ही लूंगा। फिर दोनों ने अपने अपने हिस्से लिए और घर गए। बंदर को फिर डांट पड़ी। दादाजी ने अपना सिर पीट लिया। इस बार बंदर और चूहे ने मिलकर मक्के की खेती की। चूहे ने कहा, ऊपर और नीचे का हिस्सा मेरा होगा। बंदर ने कहा, नहीं नहीं, मैं लूंगा। ऊपर और नीचे का हिस्सा लेकर बंदर घर की ओर चला। चतुर चूहे ने बंदर को हंसते हुए मक्के की बालियां दी और समझा बुझाकर घर भेज दिया। बंदर को घर में सब ने प्यार किया। तो बच्चों, कैसी लगी आज की कहानी? उम्मीद है अच्छी लगी होगी। तो आइए अब हम कहानी पर कुछ बात करते हैं। अच्छा, जरा सोचकर ये बताओ, जब बंदर गेहूं का नीचे का हिस्सा लेकर घर गया तो उसे डांट क्यों पड़ी थी? अच्छा, अब ये बताओ, गेहूं, आलू और मक्का लगाने के बाद चूहे और बंदर ने अपने खेत में और क्या क्या लगाया होगा? धन्यवाद बच्चों, इतने ध्यान से कहानी सुनने और हमारे साथ बात करने के लिए। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक ऐसे ही कहानियों को आप पढ़ते और सुनते रहिए। बाय बाय।